नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में यानी कि मंडे और ट्यूसडे दो दिन शेयर बाजार के लिए काफी सारे क्वार्टर थ्री के नंबर्स आने वाले हैं और इनमें कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अपने दम पे बाजार को पिछले कुछ दिनों से हिला रहे हैं और यहां आपके लिए स्पेशली ट्यूसडे को अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे और इतनी पावर है इस समय उस स्टॉक के अंदर कि वो पूरे स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से ही घुमा सकता है। लेट्स सी कि स्टॉक के नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उन स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली देखी है। मैं डायरेक्टली आपको नाम बताना चाहूंगा, अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेस। अभी रिसेंटली हमने फ्राइडे के सेशन में देखा कि एक बड़ा फंड कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सेलिंग करके चले गए हैं, लगभग 1600 करोड़ की। एंड बार्कलेज जिसका एक बड़ा एक्सपोजर है, मोर देन अराउंड 5000 करोड़ के समथिंग का एक्सपोजर है, टोटल देखा जाए तो 75 करोड़ डॉलर का उन्होंने निवेश कर रखा है और वो अभी तो ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ ऐसा है नहीं कि बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, बट अगर रिजल्ट्स खराब आए तो डेफिनेटली उनका भी प्लान बन सकता है। स्टॉक के नाम बताना चाहूंगा मैं आप सभी को, 13th February यानी कि कल के सेशन में आपको नाइका अपने क्वार्टर थ्री के नंबर पेश करते हुए दिखेगा, IRFC अपने क्वार्टर थ्री के नंबर पेश करते हुए दिखेगा। एंड इसमें देखने वाली बात यह होगी कि डिविडेंड आता है क्या कोई, क्योंकि डिविडेंड से रिलेटेड काफी सारे लोग इस स्टॉक को खरीद के बैठे हुए हैं। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और मतलब मुझे लगता है पावर है इस स्टॉक में, ये यहाँ से 3 digit में जा सकता है अगले 2 to 2.5 years के अंदर अंदर जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। PFC अपने नंबर पेश करेगा, सेल अपने नंबर पेश करेगा, गुजरात गैस, लिंडे इंडिया, ग्रीनवेल, नॉर्टन, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस यानी कि जील जिसे आप लोग कह सकते हैं, वो अपने नंबर पेश करते हुए दिखेगा आपको। IRB इंफ्रा के नंबर आते हुए दिखेंगे, रिसेंटली कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट एंड ऑल कहीं ना कहीं अनाउंस करा था। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स के नंबर आएंगे मेटल स्पेस से, यानी कि दो कंपनीज हो गई सेल और रत्नामणि मेटल। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के नंबर आएंगे, गुजरात इंडस्ट्रीज, हुडको हो जाएगा ये, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको अपने नंबर पेश करते हुए दिखेगा। हिंदुजा ग्लोबल अपने नंबर पेश करेगा, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी अपने नंबर पेश करेगी यानी कि स्पार्क अपने नंबर पेश करते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं सुगर स्पेस से काफी सारे लोगों की पोर्टफोलियो का हिस्सा है श्री रेणुका सुगर के नंबर्स आने वाले हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ITI एंड नेक्स्ट आपके साथ बात करें तो कहीं ना कहीं जिंदल वर्ल्ड वाइड के नंबर आएंगे, जयप्रकाश पावर वेंचर, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इकरा, हेडलबर्ग सीमेंट इंडिया, PTC इंडिया, मिर्जा इंटरनेशनल, लैंडमार्क कार्स, बजाज हिंदुस्तान सुगर। इस स्टॉक को मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, लगभग 5 to 7 years के लिए, 2030 तक के लिए इनफैक्ट रिकमेंड करा है कि आप कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में लेके छोड़ दो। अगर इस स्टॉक ने कुछ करिश्मा करा तो ये मल्टी बैगर हो जाएगा, लगभग 12-14 रुपए का शेयर है और 100-200 रुपए का भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको इस क्वांटिटी में लेना है कि अगर पूरा जीरो हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, बजाज हेल्थ केयर, सिंगर इंडिया, खादिम इंडस्ट्रीज, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडवेयर होम इनोवेशन, मार्क्सन फार्मा, नेशनल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर, ये देखना होगा तमिलनाडु न्यूज प्रिंट के पेपर कैसे आते हैं, क्योंकि पेपर सेगमेंट से पेपर स्टॉक्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो इस स्टॉक पे नजर रखनी होगी। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, इमामी पेपर मिल्स, ये कुछ नंबर है जो आपको कल आते हुए दिखेंगे। अब आते हैं 14th February यानी ट्यूसडे को, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, ये अपने नंबर पेश करते हुए ये दिखेगी। देखने वाली बात है कि नंबर कैसे आते हैं, अभी तक अदानी ग्रुप से अदानी ट्रांसमिशन के नंबर को थम्सअप मिला है, अदानी टोटल गैस के नंबर को भी कहीं ना कहीं थम्सअप ही मिला है, अदानी विलमार थम्सअप मिलता हुआ दिखा है, अदानी ग्रीन्स को भी थम्सअप मिला है, एक्वायर्ड कंपनी अंबुजा सीमेंट को भी थम्सअप मिला है। खराब में अदानी पावर के बहुत खराब नंबर थे, अदानी पोर्ट्स के थोड़े से नेगेटिव थे, थोड़े से, ज्यादा नहीं थोड़े से, बट उसके वैल्यूएशन इतने अच्छे कि वो किसी को बेचने का मन नहीं है, तो ये सब अभी तक आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह कि आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर कैसे आते हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस 14 February आपके लिए नंबर पेश कर देगा
ऑयल एंड नेचुरल गैस के यानी ओएनजीसी के नंबर आते हुए दिखेंगे, सीमेंस के देखने क्योंकि इस फील्ड से कॉन्कोर एंड कहीं ना कहीं आपके लिए शानदार नंबर आते हुए दिखेंगे सबके ही। तो सीमेंस के नंबर देखते हैं कैसे आते हैं, ग्रेजिम इंडस्ट्रिया आइशर मोटर्स सॉरी ग्रेजिम इंडस्ट्रीज आइशर मोटर अपोलो हॉस्पिटल बॉश पीआई इंडस्ट्रीज भारत फोर्ज के नंबर देखने होंगे कैसे आते हैं। एंड इस स्टॉक को आई थिंक मैंने आपके साथ रिकमेंड कराया, बाय की रिकमेंडेशन है आई थिंक, मेरे को याद नहीं, मैंने भारत फोर्ज या फिर स्टार में से एक आपके साथ रिकमेंड कराया। चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। एनएमडीसी अपने नंबर पेश करेगा, बायोकॉन इपका लेबोरेटरीज टोरेंट पावर बाटा इंडिया प्रेस्टीज स्टेट्स रेडिको खेतान, रेडिको खेतान के नंबर देखने होंगे कैसे आते हैं क्योंकि यूपीएल के नंबर में तो बहुत निराश करा था। यूरेका फोर्ब्स आईबुल हाउसिंग फाइनेंस अरबिंद फैशंस डीबी रियल्टी श्रीराम प्रॉपर्टीज सीईएससी एनबीसीसी पीएनसी इंफ्राटेक आईआरबी इंफ्रा के कल आ रहे हैं, पीएनसी के परसों आएंगे तो देखते हैं आईआरबी कैसे पेश करता है, फिर पीएनसी का भी कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी स्वयं एनर्जी जीएमडीसी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जुपिटर वैगन्स यूफ्लेक्स जिंदल पॉली नीलकमल गुड ईयर इंडिया, गुड ईयर के नंबर खराब हो सकते हैं क्योंकि सारे टायर कंपनीज खराब नंबर पेश कर रही है, चाहे एमआरएफ हो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के हमने कल देखे, थोड़े दिन पहले हमने अपोलो टायर्स के नंबर देखे, अभी हम देखते हैं गुड ईयर कैसे नंबर पेश करता है। जयप्रकाश एसोसिएट्स अमृतांजन हेल्थ केयर पीसी ज्वेलर जी मीडिया कॉर्पोरेशन डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज बालाजी टेलीफिल्म्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग हर्षा इंजीनियर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी स्टील एक्सचेंज जी पावर इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक्स भारत एग्री फर्टिलाइजर एंड रियलिटी श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक रिलायंस कम्युनिकेशन। तो ये कुछ स्टॉक है जो अपने नंबर पेश करेंगे एंड जेबीएफ बाकी 15 फरवरी के छोड़ते हैं, चार तो नंबर है जिसमें से कोई भी बड़ा नाम दिख नहीं रहा है उसको छोड़ते हैं। 16 फरवरी को नेस्ले इंडिया एंड सेफलर इंडिया अपने नंबर पेश करते हुए दिखेगा। तो ये कुछ बड़े नाम है जो आपको अगले हफ्ते यानी कि जो कल से स्टार हो रहा है उसमें एक्शन में आते हुए दिखेंगे। होप आपको ये सारे रिजल्ट समझ में आए होंगे, मीन्स किस किस के स्टॉक के नंबर आ रहे हैं, जिस जिस पे मेरा कवरेज थी वो मैंने कवर भी करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।